शनिवार को चौमुहा ब्लॉक के सभागार में ब्लॉक समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ज्यादा प्रचार प्रसार न होने की वजह से ब्लॉक समाधान दिवस में फरियादियों की उपस्थिति कम रही। इस संबंध में प्रभारी वीडियो भूदेव प्रसाद लवानिया ने बताया कि ब्लॉक समाधान दिवस पर 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। 3 शिकायतें पेंशन से संबंधित हैं, जिन्हें संबंधित सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण को इस निर्देश के साथ प्राप्त करा दिया गया है कि जांच करने के उपरांत पात्र पाए जाने पर संबंधित लाभार्थियों की पेंशन योजना का लाभ दिलाया जाए। श्री लवानिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जिनकी समस्याओं का निराकरण किन्हीं कारणवश ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं हो पाता है, वह ग्रामीण अब माह के प्रत्येक द्वितीय एवं आखिरी शनिवार को चौमुहा ब्लॉक पर ब्लॉक समाधान में पहुंचकर निस्तारित करा सकते हैं। समाधान दिवस के दिन ब्लॉक स्तर के समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रभारी वीडियो भूदेव प्रसाद लवानिया, अवर अभियंता आर के उपाध्याय, हरिपाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी ज्वाला सिंह, चौधरी ब्रज मोहन सिंह, तुलाराम कुशवाहा, हरविंद्र सिंह, प्रशांत कुमार, लेखाकार शांतिलाल, वरिष्ठ सहायक अतीक अहमद, कनिष्ठ सहायक विनोद कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। ऐसा है, इस समाधान दिवस जो ब्लॉक समाधान दिवस स्टार्ट किए गए हैं, अभी तीसरा है, शुरुआत है इनकी। अभी जनता में जागरूकता की कमी है, थोड़ा सा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, इस वजह से हमारे यहाँ पर 4 शिकायतें आई हैं, जिनका 2 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और 2 को समाज कल्याण विभाग में पेंशन संबंधी आई हैं, तो वो समाज कल्याण अधिकारी मतलब समाज कल्याण ADO को दे दिया गया है। ये मैं संयुक्त खंड विकास अधिकारी चौमा, हमारे ADO पंचायत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, हमारे BOPRD JE साहब उपाध्याय जी और हाँ प्रशांत कुमार, ज्वाला सिंह, बाकी अपना समस्त स्टाफ है यहाँ पे, और फरियादियों की भी संख्या यहाँ पे अभी तो ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी 4-5 शिकायत तो आई हैं।